मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैंपल क्वेश्चन पेपर का पार्ट वन, इसमें हम सेक्शन ये सॉल्व करने वाले हैं। तो इंस्ट्रक्शन से दिए हुए हैं हमारे सैंपल पेपर में तीन सेक्शन से ए बी एंड सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है जिसमें से हमें कोई 16 अटेम्प्ट करनी है। आज हम सेक्शन ए ही सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने हैं। सेक्शन ए की स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है 1900 और हमें उनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम भी गिवन है 100, एचसीएफ निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 19। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर को जब हम 71 से डिवाइड करेंगे तो 37 क्वेश्चन दे रहा है और 42 रिमाइंडर, तो हमें नंबर बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2669। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर थ्री, डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है हमें कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होगा ये एडिशनल नंबर। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जो हमारे अपॉन में हमें नंबर्स दिए हुए हैं इसमें 2 और 5, इनमें जो हाईएस्ट पावर होगी उतने ही डेसिमल के बाद हमारा जो रेशनल नंबर वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 दी हुई है तो हमारा जो रेशनल नंबर है वो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है टर्मिनेट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा करेक्ट। क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर में एक नंबर गिवन है, इसको पी क्यू के फॉर्म में रखना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्स को हम लेट कर लेंगे फिर 100x लेट कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/30t। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमें गिवन है, उसका सम ऑफ जीरोस, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमें दिया हुआ है 5x² माइनस, यहाँ पे p आएगा, सॉरी यहाँ पे p दिया हुआ है, यहाँ पे या तो आप यहाँ पे k कर लीजिए, यहाँ पे p कर लीजिए। इसमें हमें सम ऑफ जीरो दिया और 4, तो हमें p की वैल्यू निकालनी, मीन्स k की वैल्यू निकालनी है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा, दो जीरो दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस b अपॉन a। जब उसे हम पुट करेंगे फॉर्मूला में तो b हमारा p है, a हमारा 5 है, तो p आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर b हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू पॉलीनोमियल x³ माइनस px² प्लस x+1। हमें p इज इक्वल टू -3 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो हम जहाँ जहाँ पर भी x दिया वहाँ पे -3 पुट कर देंगे। सॉल्यूशन आ जाएगा -56। ऑप्शन नंबर b करेक्ट हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन में अल्फा बीटा और गामा हमें दिया हुआ है, जीरो है जो कि एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, तो हमें अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट बताना है। अल्फा बीटा और गामा होता है डी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा -3। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एट क्वेश्चन में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है ओरिजिन से हमें पी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करता है। ओरिजिन पे क्या होता है, एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स। नाइन्थ में पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जो कि एक मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट का ए और बी का, ए और बी के भी मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे पी में जो ए दिया हुआ है उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट वाला, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -15। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। टेंथ क्वेश्चन में भी पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जो कि एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है ए और बी का, ए बी का भी मिड जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए हुए हैं, तो हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है कि पी जो है वो ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सॉल्यूशन निकालेंगे मिड पॉइंट से ही, तो हमारे पास जो रेशियो है वो आ जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बताना है हमें, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं डिफरेंट नंबर्स के, इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल और आंसर आ जाएगा 2 यूनिट्स। 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट।
ये हमारे पास 12th क्वेश्चन आ गया है. इन अ गिवन एक एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें हमें ए निकालना है, बाकी हमें मेजरमेंट दिए हुए हैं. तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. जब एक्सप्लेनेशन हम इसमें बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे, ट्रायंगल्स चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.1. 13 क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू दी हुई है, 10 और 4 की जो है सम निकालना है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है. तो साइन ए दिया हुआ है हमारे पास 1/√2. 1/√2 साइन ए 45 पे इसका वैल्यू आता है, तो 10 45 देंगे और 4 45 दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. 14 क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दी हुई है 0, तो हमें कोस और ये जो इक्वेशन दी हुई है कोस एक्स प्लस कोस x3 डिवाइडेड बाई 125 की वैल्यू निकालनी है. सॉल्यूशन देखते हैं. कोस x को कोस 0 के इक्वल रख लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1. कोस x की वैल्यू आ जाएगी 1. उसके बाद जब हम इसे पूरा सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा 1. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. 5th क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 30° माइनस कोस स्क्वायर 30° की वैल्यू हमें निकालनी है. साइन 30 होता है 1/2 का 1/2, तो स्क्वेयर कर देंगे. कोस 30 होता है √3/2, इसका भी स्क्वेयर कर देंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे तो आएगा -1/2. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर. 16 क्वेश्चन में एक सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है हमें, जिसका रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है. ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है सैंपल पेपर का और सबसे इजी. सिंपल हमें फॉर्मूला लगाना है सर्कमफेरेंस का, जो कि है 2πr, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 25.12 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. 17 में ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है आरती एक लड़की है, उसने एक पॉट खरीदा है, एक मटका खरीदा है सर्कुलर टाइप एक मटका खरीदा है, जिसका क्रॉस सेक्शन का एरिया दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो हमें सर्कल का रेडियस निकालना है. एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा 7/2, प्रॉपर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. 18 क्वेश्चन, एक वायर का पीस दिया हुआ, उसकी लेंथ दी हुई है और वो किस एंगल पे बेंड हो रहा है, वो एंगल दिया हुआ है 60°, तो हमें यहाँ पे सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है. लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और जब जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का उसको 30 सेंटीमीटर के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी 2.4. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर. ये जो हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है. तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने के लिए किसी नंबर को 1 से छोटा होना जरूरी है. तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 5/4, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1 से बड़ा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर. 20th क्वेश्चन में एक बॉक्स है जिसमें 80 डिस्क दिए हुए हैं, जिनका नंबर 1 to 90 है. अगर हम रैंडमली कोई भी एक डिस्क उस बॉक्स से निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक प्राइम नंबर तो होना चाहिए, लेकिन वो 30 से कम भी होना चाहिए. तो इसको सोल्व करेंगे हम, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/8. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. ये था सेक्शन ए. सेक्शन बी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे.